Home Minister will reply. सभापति महोदय, आज मैं इस सम्मानीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। महोदय, मैं जो दो संकल्प और बिल लाया हूं, उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी, लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं ये जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से मिलेगा। सभापति महोदय, मैं इसके विषय में जाने के पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला, इसकी भेंट चढ़ गई। कह रहे हैं कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका हिसाब कौन देगा, क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है। और मुझे बहुत स्पष्टता है, ये 41,849 लोग, उनकी जान न जाती सभापति महोदय, अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने